नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में, आपके साथ सोनू। रीवा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के उप सरपंच पद के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिले में विकासखंड हनुमना, मऊगंज तथा नईगढ़ी की ग्राम पंचायतों में 24 जुलाई, विकासखंड रीवा, रायपुर, करचुलिया तथा गंगेयों में 25 जुलाई एवं विकासखंड सिरमौर, जवा तथा त्योथर में 26 जुलाई को उप सरपंच पद का चुनाव कराने के लिए प्रथम सम्मेलन होगा। विकासखंड हनुमना, मऊगंज, नईगढ़ी, रीवा एवं रायपुर, करचुलियान में 27 जुलाई तथा विकासखंड गंगेयों, सिरमौर, जवा तथा त्योथर में 28 जुलाई को जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रथम सम्मेलन होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 29 जुलाई को प्रथम सम्मेलन होना है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने पंचायत राज संस्थाओं के प्रथम सम्मेलन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 तथा आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है, इसीलिए इसे एक पक्षीय रूप में पारित कर मीडिया के माध्यम से आम जनता को इसकी जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रथम सम्मेलन के बाद अनुमति लेकर ही जुलूस निकाला जा सकेगा। जुलूस का समय तथा वह किन मार्गों से गुजरेगा, इसे पहले से निर्धारित करना आवश्यक होगा। संबंधित क्षेत्र के SDM की लिखित अनुमति के बाद ही जुलूस निकाला जा सकेगा। आयोजक प्रतिबंधित स्थानों से जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस सड़क के बाईं ओर से निकलेगा तथा सुरक्षा एवं यातायात के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करेगा। जुलूस में शामिल लोग ऐसी कोई वस्तु का प्रदर्शन ना करें जिससे शांति व्यवस्था भंग हो अथवा उसका उत्तेजना के छड़ों में दुरुपयोग किया जा सकता हो। किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं अथवा अन्य व्यक्तियों के पुतले का प्रदर्शन और उसका जलाना भी जुलूस में प्रतिबंधित रहेगा। सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों तथा राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। Thank you.